हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैभव नाडकर्णी IVF के स्टेप्स को लेकर आपके से बात आया हूँ। यानी कि बहुत लोग पूछते हैं कि IVF में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। स्टेप नंबर वन होता है प्री मेड्स एंड डायग्नोसिस, यानी कि आपके जो बेसिक टेस्ट हैं और जो आपके इन्वेस्टिगेशन और आपके जो मेडिसिन हैं जो IVF से पहले होते हैं वो स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन इंडक्शन, यानी कि ओवेरियन स्टिम्युलेशन, यानी कि आपको 10 दिन इंजेक्शन जो दिया जाता है पीरियड के सेकेंड डे से, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं या ओवेरियन स्टिम्युलेशन बोलते हैं। ये सेकेंड स्टेप होने के बाद जब आपके एग्स दोनों तरफ रेडी हो गए हैं, थर्ड स्टेप को बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर यानी कि इन एग्स को फूटने का आदेश देना। जब हम ट्रिगर देते हैं उसके बाद 36 घंटे के अंदर हम आपका ओवम पिकअप करते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। ओवम पिकअप ये होता है कि जिसमें हम एग्स आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये होने के बाद जो IVF का प्रोसेस है वो होता है हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ। और IVF होने के बाद एम्ब्रियो कल्चर होता है, जिसमें हम ये एम्ब्रियोस को 3 से 5 दिन एम्ब्रियो हम आपके हमारे इंक्यूबेटर के अंदर इसको कल्चर करते हैं। और लास्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसमें हम ये जो 3 से 5 दिन बच्चे बने हैं हमारे पास वो आपके अंदर डाल देते हैं। इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एंड ऑफकोर्स उसके 15 दिन बाद जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं रिजल्ट, जो आपका बीटा HCG टेस्ट होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। यही है IVF के स्टेप्स इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच।